बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल फूड गॉसिप। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल लाइक एंड कमेंट एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। आज हम तड़के वाली दाल गोभी बना रहे हैं। मसूर की दाल को अभी मैं अंदर डाल दूँगी। ये उनके लिए बहुत अच्छी है जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए ये डिश बहुत ज़्यादा अच्छी है। साथ ही मैं चावल भी बॉईल करूँगी साइड पे। अभी ये एक गोभी का फूल मैंने लिया नॉर्मल साइज़ का, इसको मैंने सारे को इस तरह काट लिया, आप भी इसी तरह ही काट लें। वॉश कर लिया हुआ मैंने, ये ऐड करेंगे। अभी साथ ही मैं ये दो मैंने जैलोपिनोज लिए हैं, ये ऐड कर देंगे। ये काफ़ी ईजी मिल जाती हैं। साथ ही मैंने एक स्प्रिंग ऑनियन लिया, इसको मैंने कट कर लिया हुआ है, और तीन सब्ज़ मिर्चें हैं साबत ही, इसको सारे को ऐसे डाल देंगे क्योंकि दाल में लहसुन का बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। दो गठियाँ मैंने इनको ऐसे पीसेस में कट कर लिया हुआ है छील के, ये मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर। और जो टमाटर है, एक टमाटर साबत ही है, मैंने सिर्फ इसको पील किया है, ये मैं इसको ऐसे ही डाल दूँगी। और अभी मैं काली मिर्च यूज़ कर रही हूँ, ये मैं एक टीस्पून ऐड करूंगी इसके अंदर। साबुत जीरा ये मैं 2 टीस्पून ऐड करूंगी इसके अंदर। ये लौंग है, ये मैं ऐड कर दूंगी। अभी मैं साल्ट ऐड कर रही हूँ। अभी मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ, लास्ट थिंग है 1 टीस्पून। और जो नमक है वो मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है, सॉरी मैंने 1 टीस्पून कह दिया था, लेकिन हल्दी मैंने 1 टीस्पून ही ऐड किया है। अभी हम स्टोव ऑन कर देंगे, मीडियम सा ही रखेंगे। आप प्लीज़ जिनको ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर का इश्यू हो उनके लिए ये डिश बहुत ज़्यादा मज़े की है और काफ़ी हेल्पफुल है। साथ हम चावल भी बॉयल करेंगे, तो आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं इसको, और वैसे भी रोटी के साथ भी। ओके, हमारी दाल को जैसे देख लें ऑलमोस्ट हो ही जाने वाली है। जस्ट 4-5 मिनट बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। तो अभी साइड पे मैं तड़का रेडी कर रही हूँ। तड़के के लिए स्टोव ऑन कर देते हैं। फ्राई पैन में मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए। तो ये मैंने लहसुन है इसको इस तरह काट लिया हुआ है, एक दत्थी मैंने ली हुई है क्योंकि हम लहसुन का ही तड़का बना रहे हैं, तो इसको ऐड करेंगे। ओके, लहसुन के तड़के के लिए ऑयल गर्म हो गया है, ये लहसुन मैंने ऐड कर दिया। लहसुन बिल्कुल ठीक ब्राउन हो जाए तो इसका मतलब है हमारा तड़का रेडी है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी, आपने ट्राई की है। ये जो रेसिपी है ये भी मेरी मॉम ने ही मुझे टीच की हुई है। हमारी दाल भी ऑलमोस्ट बन ही गई है, जस्ट 2-3 मिनट और रखेंगे, और मेन टाइम हमारा लहसुन का तड़का भी रेडी हो जाएगा। ऑलमोस्ट ब्राउन हो ही गया है, मैं बंद ही कर दूँगी। मेन तड़के का यही है कि लहसुन अच्छे तरीके से ब्राउन होना चाहिए। तो हम ये सारे जो तड़का हम बनाएंगे उसको मैं उसके अंदर जो दाल बन रही है गोभी के साथ ऐड कर देंगे। ये मैं अभी स्लो कर रही हूँ स्टोव कि थोड़ा सा अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए। उससे पहले मैं इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, पीसा हुआ ये। और साथ ही मैंने मेथी ली है, कसूर मेथी है ये, कसूरी मेथी भी कहते हैं इसको। ऐसे करके मैंने स्टोव बंद कर दिया। मेरी माम ने तड़का अंदर ऐड कर दिया, तो ऊपर मैंने जैसे ढक्कन भी दे दिया था, कसूरी मेथी भी डाल दी है। बस अभी 2 मिनट बाद मैं स्टोव बंद कर दूंगी, फिर हमारी दाल गोभी रेडी है तड़के वाली। दाल गोभी बन गई हुई है, मैंने वो स्टोव बंद कर दिया। साथ ही अभी हम चावल बॉईल करने लगे हैं। चावल बॉईल करने के लिए मैंने बड़ा ही देचका लिया, आप भी बड़ा ही देचका लें जिसमें खुले चावल रहें, अच्छे तरीके से बने और खिले खिले रहें। मैंने 5.5 कप पानी
इसमें डाल दिया हुआ है। और मैं 3 कप चावल बना रही हूँ, तो 3 कप चावलों को मैंने भगो के अभी रख दिया हुआ है। हाफ एन आवर पहले आप भी भगो दें, जब पानी बॉयल हो जाएगा तो तब हम चावल उसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने पानी इतना ही लिया। मैं इस ये वाले जो पॉइल चावल है इनको मैं दम पे बनाना चाहती हूँ, मैं इनका पानी उतारना नहीं चाहती, तो इसलिए मैंने 5.5 कप पानी लिया। आई नो कई लोग होते हैं जो ज्यादा पानी ले लेते हैं, जब चावल बॉयल हो जाते हैं तो वो ऊपर से पानी उतार लेते हैं। मैं वैसे उतारती नहीं हूँ, ज्यादा ट्राई करती हूँ कि ना उतारना पड़े। क्या होता है कि उससे मुझे जो लगता है जो चावलों का असर है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आप पानी उतार देते हैं। यस, जैसे बिरयानी बना रहे हो उसमें थोड़ा फिर भी होता है कि बॉयल जब चावल कर रहे हो तो चले आप पानी उतार ले, क्योंकि आप बिरयानी के मसाले के ऐड कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें आई विल ट्राई कि जो पानी है चावलों के साथ ही खुश्क हो, उतारना ना पड़े हमें। पानी बस बॉयल होने वाला ही है, जस्ट 2 मिनट तक हो जाएगा। मैंने चावलों का पानी उतार लिया हुआ है, रख ली हुए हैं। बॉइल हो जाएगा उसी टाइम ही हम चावल ऐड करेंगे। पहले मैं पानी में 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और साथ ही मैं 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है इसके साथ, टेस्ट के साथ साथ। ओके, जैसे कि आप ये देख लें पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया, तो मैं चावल अभी ही ऐड कर दूँगी। अभी स्टोव तेज़ ही रहने दूँगी मैं, जब एक बॉयल आ जाएगा चावलों को तो फिर मैं स्टोव स्लो कर दूंगी।